दमोह जिले के पथरिया नगर में कांग्रेस पर्यवेक्षक जगदीश सैनी के आगमन पर नगरीय निकाय चुनाव की टिकट को लेकर दावेदारी प्रस्तुत की गई। कांग्रेस पर्यवेक्षक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। पार्टी किसी को भी टिकट दे, लेकिन सभी को साथ मिलकर मजबूती के साथ चुनाव में सहभागिता निभाते हुए जीत दर्ज करानी है। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह और वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा लक्ष्मण सिंह ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें उनके साथ विशाल जुलूस के रूप में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और कार्यकर्ता ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार हम पथरिया आए हैं। यहाँ पे ये देखने आए हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार अच्छा है, उसके अनुसार उनको रिपोर्ट देने है। देखिए, हम लोग यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी टीम है वो बैठ के आपस में डिस्कशन करेगी, और जो योग्य उम्मीदवार होगा, जीतने वाला उम्मीदवार होगा, उसका नाम हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अग्रेषित करेंगे।